दोस्तों, इस धरती पर जन्म लेने वाला हर एक इंसान कुछ न कुछ टैलेंट जरूर रखता है। कोई समय के साथ अपने टैलेंट को पहचान लेता है तो कोई अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं पाता है, और जो अपने टैलेंट को पहचान लेता है वो उसे निखारने के लिए लगातार मेहनत करता ही रहता है, और इसी मेहनत का परिणाम होता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट्स अनप्लग्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दुनिया भर के अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड धारियों के बारे में, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आयना विलियम्स। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को नाखून इसलिए नहीं पसंद होते क्योंकि ये शारीरिक गंदगी का प्रतीक माना जाता है। हालांकि कुछ लोग फैशन के नाम पर लंबे नाखून रखना पसंद करते हैं, लेकिन आयना विलियम नाम की इस महिला ने नाखून बढ़ाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि आयना ने लगातार 24 साल तक अपने नाखून नहीं कटवाए। आयना पेशे से नेल टेक्नीशियन है, इतने लंबे होने के बाद भी ये अपने नाखूनों की सुंदरता का बहुत ध्यान रखती हैं। इनके नाखून की लंबाई 2018 में 18.11 इंच था। इन्हें अपने दैनिक जीवन का कामकाज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, इसीलिए साल 2018 में आयना ने अपने नाखून कटवा दिए। और क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने 66 साल तक अपने नाखून नहीं कटवाए। ये महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं। इनके नाम दुनिया का सबसे लंबे नाखून वाला पुरुष होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। अगर आप इनका नाम जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑस्ट्रेलियन जोई लैमूर। दोस्तों, अक्सर हमें पंखे से दूर रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में एक ऐसी भी महिला है जो तेज फैन को अपने मुलायम जीभ से रोक देती है। ये महिला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की रहने वाली है। ये कई स्टेजों पर लोगों के मनोरंजन के लिए अपने इस अनोखे करतब का प्रदर्शन करती रहती है। इनके इस खतरनाक टैलेंट को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा करने का अनोखा रिकॉर्ड लैमूर के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। समंथा रैम्सडेल। दोस्तों, दुनिया में सभी इंसानों की शारीरिक बनावट अलग अलग होती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने शरीर के ज्यों के त्यों बनावट से खुश रहते हैं। पर शिकागो की रहने वाली समंथा रैम्सडेल को बड़े मुंह वाले होने का कोई अफसोस नहीं है, उल्टा तो वो इसे रोज बड़ा करने का प्रयास करती हैं। समंथा अपने बिग माउथ को लेकर सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हैं, और समंथा भी अपनी एक्टिविटीज से अपने फॉलोअर्स को एंटरटेन करती रहती हैं। आपको बता दें कि समंथा के नाम दुनिया की सबसे बड़ी मुंह वाली महिला होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। सुख मोहम्मद दलाल। दोस्तों, कैलिफोर्निया के रहने वाले बी मैन के नाम से मशहूर ग्रे के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन आज मिलिए इंडिया के देसी बी मैन से। इनका नाम सुख मोहम्मद दलाल है। ये पश्चिम बंगाल के चंद्रमणिपुर गांव में रहते हैं। ये जनाब बड़े से बड़े मधुमक्खी शेल्टर को बिना किसी सेफ्टी के ही खाली कर देते हैं। सेफ्टी के नाम पर ये पूरे बाजू वाली एक कपड़ा तक नहीं पहनते हैं, और हैरानी वाली बात तो ये है कि इसके बावजूद भी इन्हें एक भी मधुमक्खी नहीं काटती है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें इस तरह का शौक जोखिम में डाल देता है और उनके लेने के देने पड़ जाते हैं। अब इन जनाब को ही देख लीजिए, राफेल विट्टी एंड क्यूरी। दोस्तों, स्टैक लाइनिंग एक ऐसा शौक है जिसमें लोग ऊंचाई पर रस्सियों पर अपने शरीर को बैलेंस बनाते हुए चलते हैं, लेकिन ऊंचाई की भी एक सीमा होती है। पर क्या आप यकीन करेंगे कि कोई 200 मीटर की ऊंचाई पर भी स्टैक लाइनिंग कर चुका है। गिनीज बुक में ये अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है फ्रांस के रहने वाले विट्टी एंड क्यूरी के नाम। इन्होंने एल्प्स पर्वत की दो चोटियों के बीच करीब 3 किलोमीटर की स्टैक लाइनिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा रिकॉर्ड बनाने का काम सिर्फ सिरफिरे लोग ही कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और इसमें से कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको सबसे अजीब लगा,
हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स अनप्लग्ड को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।